हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। चैनल अपना साइड में रखो। जिसका हमें था इंतजार पिछले 6 साल से, उसका रिक्वायरमेंट फाइनली आ चुका है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है RRBJEE। टोटल पोस्ट की बात पहले कर लेते हैं, जो कि ताबड़तोड़ 7951 आए हुए हैं। बाकी फटाफट देख लेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं। बाकी जो जो जूनियर इंजीनियर की तैयारी करने वाले RRBJEE का वेट करें तो फटाफट तैयारी में लग जाएं, फोड़ दें इस बार, ठीक है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये पोस्ट बढ़ सकती है, ठीक है, इतना कम नहीं हो सकता। ये अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 हज़ार तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब क्या होता है। बाकी मैं 100% तो नहीं बोल पाऊंगा, 95% तो चांसेस है कि पोस्ट बढ़ेगी। बाकी आईफोन स्टार्ट लेते हैं। एडमिशन फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS वालों के लिए आपको 500 रुपीज़, जो कि 400 रुपीज़ आप एग्ज़ाम अटेंड करते हैं तो रिफंड हो जाता है, बाकी 100 रुपीज़ आपका इसका चार्ज रहता है। और ST SC एक्स सर्विसमैन फीमेल्स की बात करें तो आप 250 रुपये, ठीक है, 250 रुपये, जो कि इसमें भी कुछ अमाउंट आपको रिटर्न मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 30/7/2024 रहने वाला है। बहुत दिनों बाद ये देखकर बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। एज लिमिट देख सकते हैं फटाफट 18 से 33 ईयर एंड 18 से 36 ईयर, जिसमें आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंस, ठीक है। मेटलर्जिस्ट केमिकल का ये 33 ईयर का दिया होगा, और आप बाकी अपना जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल के यहाँ पे दिया गया एज 36, 3 ईयर बढ़ा दिया आपका, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, चाहे वो डिप्लोमा चाहे BTEC हो, दोनों पोस्ट, दोनों क्वालिफिकेशन अगर हैं तो एलिजिबल रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब जूनियर इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल में आपने डिप्लोमा किया तो भी चलेगा, और ओनली सेपरेट डिप्लोमा किया तो भी चलेगा, और BTEC किया है तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी अगर टोटल पोस्ट की बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 7951 मिक्सअप आया हुआ है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पूरा सिलेक्शन प्रोसेस देख लेंगे। प्री एंड मेंस के बेस पे आपका सिलेक्शन रहने वाला है। प्री आपको पता है टोटली नॉन टेक रहना है, और जो आपका फेस टू है, CBT 2 है, वो आपका टेक्निकल रहने वाला है। बाकी सैलरी की बात करें तो 60 से 70 हज़ार आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जोन वाइज पोस्टें दे दी गई मिक्सअप है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छे से करें इस बेहतरीन रिक्वायरमेंट के, जो कि 6 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे। सो ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छे से करें।